हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट क्लिक एंड लर्न पे। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईवीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर। इस वीडियो में आपको ईवीएस के कंप्लीट टॉपिक्स मिलेंगे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने आपके लिए क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के कंप्लीट टॉपिक्स डाले हैं जो कि आपके सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्लास फोर्थ से लिया गया एक चैप्टर है, गोइंग टू स्कूल। इसमें आपसे पूछे जाते हैं कि कौन से स्टेट से बच्चे किस तरह से स्कूल पहुँचते हैं। तो देखिए, बच्चे असम में जो जाते हैं वो बैम्बू ब्रिज को पार करते हुए जाते हैं। वहाँ नीचे बहुत ही गहरी नदी रहती है, तो इस वजह से बच्चों को जो स्कूल जाना होता है तो बैम्बू ब्रिज को पार करते हुए जाते हैं। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में बच्चे ट्रॉली से जाते हैं। वो एक लंबी रस्सी बांधी रहती है नदी के इस पार से लेकर उस पार तक, और उसमें एक ट्रॉली रहती है, उसमें बच्चे बैठते हैं और फिर नदी को पार करते हैं। केरला में वल्लम, एक स्मॉल वुडन बोट कहलाती है, उससे बच्चे स्कूल जाते हैं। राजस्थान में कैमल कार्ट है, ऊँट से बना हुआ कार्ट जो रहता है। विलेज जो प्लेन्स में होते हैं एरिया में विलेजेस, उसमें बुलक कार्ट रहता है। और नॉर्दर्न हिल्स में मूविंग ऑन स्नो, स्नो को पार करते हुए जाते हैं बच्चे। और गुजरात में एक स्पेशल एक गाड़ी होती है, जुगाड़ जिसे बोलते हैं। ये मैंने पिक्चर लगाई है, आप देख सकते हैं, ये उसकी पिक्चर है। इसके थ्रू बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एयर टू एयर। ए बर्ड हैज़ टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। देखिए, जो बर्ड होती है उसके एयर्स होते हैं कैसे, सर के दोनों साइड पर। जनरली द होल्स आर कवर्ड विद फीदर्स। आमतौर पर होता क्या है कि वो जो एयर्स होते हैं उसके, वो फीदर से ढके होते हैं। दे हेल्प बर्ड टू हेयर, वो उनको सुनने में हेल्प करते हैं। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं बर्ड्स की एयर कहाँ पर लोकेट होता है। देखिए, फीदर से ढके हुए होते हैं, उनको ईजिली दिखते नहीं हैं। लिजर्ड हैज़ टाइनी होल्स ऑन हिज हेड, दीज आर इट्स एयर। ये पिक्चर में आप ये टाइनी होल देख सकते हैं, ये इसका एयर है, ये इससे वो सुनती है। क्रोकोडाइल ऑल्सो हैव ईयर्स बट वी कैन नॉट सी दैम। क्रोकोडाइल के भी ईयर्स होते हैं लेकिन हम उनको जनरली देख नहीं सकते। नेक्स्ट उसमें देखिए, ए डे विद नंदू, एलिफेंट के बारे में। एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, एलिफेंट के बारे में हमेशा पूछे जाते हैं। 4-5 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, उसमें से बोलते हैं कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करिए। तो अगर आपको एलिफेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट नॉलेज है, तो आप इजीली उनमें से सही ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जो एक एडल्ट एलिफेंट होता है वयस्क हाथी, वो एक दिन में 100 kg से ज़्यादा जो पत्तियाँ होती है, ट्विग्स होती हैं, जो नई नई मुलायम पत्तियाँ आई रहती हैं, एक दिन में इतना खा लेते हैं वो 100 kg तक। दे डू नॉट रेस्ट वेरी मच, ज़्यादा आराम नहीं करते वो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 घंटे सोते हैं एक दिन में। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मर्ड एंड वाटर, द मर्ड कीप देयर स्किन कूल। और एलिफेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं, उनको मिट्टी में, कीचड़ में नहाना बहुत पसंद है, खेलना बहुत पसंद है, जिस वजह से उनकी जो स्किन होती है वो उस कीचड़ की वजह से कूल, ठंडी रहती है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैन, और उनके जो बड़े से कान होते हैं वो उनके फैन की तरह काम करते हैं उनकी बॉडी के लिए। 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वन लिव इन हर्ड, एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी रहती हैं और उनके साथ उनके यंग वंस। जो मेल एलिफेंट होते हैं वो 14 से 15 साल होने पर अपने झुंड को छोड़ देते हैं। आगे मूव करते हैं। द स्टोरी ऑफ अमृता। ऑलमोस्ट 300 years ago, ए विलेज कॉल खेजड़ी नियर जोधपुर इन राजस्थान। 300 साल पहले एक गांव हुआ करता था जोधपुर में, जो कि जोधपुर का है, राजस्थान में। उस गांव का नाम था खेजड़ी। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ मैनी खेजड़ी ट्रीज ग्रू देयर। उस विलेज का नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि वहाँ बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ ग्रो करते थे।
खिजड़ी ट्रीज मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरियाज, जो ये पेड़ होते हैं ये मेनली रेगिस्तान वाले एरियाओं में ही पाए जाते हैं। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, ये कम पानी में ही उग जाते हैं। इट्स बाग इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, उसकी जो तने की जो छाल होती है बाग जिसे बोलते हैं, वो उससे दवाइयाँ बनने के काम आता है। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट अफेक्टेड बाई इंसेक्ट्स, उसकी लकड़ी इस तरह से होती है उस पेड़ की कि उस पर आसानी से मतलब कीड़े नहीं लगते, उस लकड़ी पे कीड़े नहीं लगते आसानी से उनकी। नेक्स्ट देखते हैं अनीता एंड हनी बीज, ये कहानी एक लड़की की है अनीता की, जो कि संघर्ष कर कर के मतलब आगे स्कूल के लिए पढ़ती है, उसके बाद वो मधुमक्खी पालन सीखती है, फिर उसी में अपना करियर बनाती है वो। तो उसी यहाँ पे हनी बीज के बारे में इम्पोर्टेंट कुछ दे रखी है यहाँ पे जानकारी। देखते हैं स्टोरी फ्रॉम बोचाचा विलेज की है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार में। जो हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर के महीने में वो अंडे देती है। जो अंडे कौन देता है, वो होती है क्वीन बी, जो रानी मधुमक्खी होती है सिर्फ वही अंडे देती है। फ्यू मेल्स इन हाइव, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें कुछ ही मेल होते हैं, नर होते हैं। मोस्ट बी आर वर्कर बी, ज़्यादातर जो उसमें मक्खियाँ होती हैं मधुमक्खियाँ, वो वर्कर बी होती हैं काम करने वाली। मेल बी हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर, मेल बी का कोई रोल नहीं होता उसमें वर्कर के तौर पे। आगे देखते हैं, अब देखिए ओमानास जर्नी और फ्रॉम द विंडो, ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, मैंने एक ही पेज में लिखा है दोनों का। तो पहले ओमानास की जर्नी देखते हैं, इसमें ट्रेन के बारे में है उसकी जर्नी के, कि कहाँ से स्टार्ट होती है। ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम इन कच्छ, जो कि कहाँ है, कच्छ गुजरात में। अहमदाबाद एंड वलसाड आर इन गुजरात, कोझिकोड़े केरला ऑन मालाबार कोस्ट में प्रेजेंट। ये मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चूज करके लिखे हैं जो कि सीटेट में जनरली पूछे जाते हैं। फ्रॉम द विंडो चैप्टर से देखिए मडगांव इज़ इन गोवा, आपसे पूछा जा सकता है कि मडगांव कहाँ है, तो तब आपके लिए ऑप्शन में राइट आंसर होगा गोवा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देयर आर टोटल 2000 ब्रिज एंड 92 टनल्स इन रूट फ्रॉम गोवा टू केरला, देखिए गोवा से केरला के रूट पर कितने ब्रिज हैं, 2000, और कितने टनल्स हैं, 92, ये आप नोट कर लेना। कोटायाम स्टेट ऑफ केरला, कहाँ का स्टेट है, केरला का स्टेट है। फेरी ए काइंड ऑफ बोट इन केरला, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है व्हाट इज़ फेरी, इस टाइप से कि कहाँ की बोट है ये केरला, या ऐसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि केरला में कौन सी बोट होती है, तब आप टिक करोगे फेरी। डिटेल्स यू कैन फाइंड ऑन ट्रेन टिकट, ये भी आमतौर पर थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है कि ट्रेन टिकट में कौन सी कैसी डिटेल्स होती हैं, क्या क्या डिटेल्स होती हैं। 4-5 ऑप्शंस दे देते हैं, उसमें से आपको राइट चूज करना पड़ता है। देखिए ट्रेन का नंबर होता है विद नेम, बोर्डिंग स्टेशन और लास्ट स्टेशन रहता है, डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ जर्नी रहती है उसमें, और अराइवल डेस्टिनेशन, द बर्थ एंड कोच नंबर रहता है आपका, टिकट की कॉस्ट होती है, और पैसेंजर का नेम है जो नेम एज और सेक्स होता है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्णम मलेश्वरी का, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन है कर्णम मलेश्वरी, ये एक वेट लिफ्टर है, कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की। इनके पापा क्या करते हैं, जो कि क्या है, पुलिस कांस्टेबल, और इन्होंने कौन सी उम्र में लिफ्टिंग स्टार्ट करी वेट लिफ्टिंग, जब ये 12 साल की थी। नाउ शी लिफ्ट वेट ऑफ 130 kg, सी हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स में, जीत चुकी हैं ये 29 मेडल्स। फोर सिस्टर ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग, इनकी जो चार बहन है वो भी इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रही हैं, ये आप प्लीज़ नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इनसे। वैली ऑफ फ्लावर्स, हम जानते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है इंडिया में, उत्तराखंड में है, जो कि उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, चमोली। तो देखिए इसके अंदर कुछ एक डू यू नो करके रहता है, उसमें से दिए गई है इंफॉर्मेशन कि मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग क्या है, एक डिज़ाइन है, पिक्चर है, ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। अब ये मधुबनी किस नाम से, ये एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार के, जिसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ मधुबनी, इसी के डिस्ट्रिक्ट के नाम से इसको पेंटिंग को नाम दिया गया है।
पेंटिंग, अब ये पेंटिंग बनाई किससे जाती है? राइस के पेस्ट पाउडर से, इंडिगो नील से, हल्दी, कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज से बनाई जाती है। तो इसमें कुल तौर पर मतलब बोला जाए तो पूरे नेचुरल कलर्स से बनाई जाती है पेंटिंग, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर का यूज़ नहीं किया जाता। पेंटिंग शोज ह्यूमन बीइंग्स, और ये पेंटिंग क्या क्या शो करती है? ह्यूमन बीइंग को शो करती है, एनिमल, ट्रीज, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स को। आगे देखते हैं, ए बिजी मंथ करके एक चैप्टर है, उससे लिया गया है। देखिए, गिजू भाई बधे का लिव्ड इन गुजरात, ही रोट मैनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, उनमें से एक है दीवा स्वप्न। अब इसी में एक ये इम्पोर्टेंट आ जाता है कि रॉबिन, जो इंडियन रॉबिन एक चिड़िया है, लेज एग बिटवीन स्टोन्स, वो कहाँ देती है अंडे? स्टोन्स के बीच में। नेस्ट वॉज मेड अप ऑफ ग्रास, सॉफ्ट ट्विक्स, रूट्स, वूल, हेयर्स, कॉटन वूल, इन सब चीज़ों से मिल करके वो अपना घोंसला तैयार करती है। कोयल के बारे में देखिए, कोयल आप जानते हैं कि वो अपने अंडे किस में देती है? कौवे के घोंसले में देती है। डव मेक्स नेस्ट अमंग थॉर्न्स ऑफ कैक्टस प्लांट, देखिए ये डव का इम्पॉर्टेंट है, इसका पूछा जाता है कि ये अपना घोंसला कहाँ बनाती है? ये कैक्टस प्लांट पे, कांटों वाली जगहों पे ये अपना घोंसला बनाती है। ये देख सकते हैं आप आगे, ये देखिए रॉबिन, जो कि कहाँ बना रखा है इसने घोंसला? ये पत्थरों के बीच में यहाँ। और ये डव है, इसने देखिए कैक्टस में यहाँ बना रखा है अपना घोंसला, तो ये इम्पॉर्टेंट है। टू मच वाटर टू लिटिल वाटर, इस चैप्टर से देखिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है। नलमडा जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। देखिए इस तरह से जगहों के नाम बहुत दिए रहते हैं कि कौन सी जगह कौन से स्टेट में है, तो इस तरह से थोड़े आपको याद करने पड़ेंगे। इस स्टोरी में हुआ क्या कि जो गांव था नलमडा आंध्र प्रदेश में, वहाँ का पानी जो सूख गया था, तो वहाँ ये बच्चों की चिल्ड्रंस की पंचायत थी जिसे भीमा संघ कहा जाता था, इन्होंने उसके लिए रास्ता निकाला। इन्होंने वहाँ ऊपर जाके देखा कि जो एक टैंक था ऊपर, जहाँ से इनके पूरे गांव में पानी की सप्लाई होती थी, वो पूरा सूख चुका था, उसमें क्रैक पड़ चुके थे, उसके अंदर पत्थर मिट्टी सब कुछ भर चुका था, और उसके जो आसपास का जो ग्रीन एरिया था वो भी सारा कट चुका था, पेड़ वगैरह। तो तब इन्होंने गाँव के लोगों से बोला कि पहले जिस तरह से मतलब यहाँ ये टैंक भरा रहता था, यहाँ पे ग्रीनरी रहती थी, चारों तरफ हरियाली रहती थी, उस वजह से हमारे गांव में पूरा क्या पानी का सप्लाई होता था, एग्रीकल्चर होता था, पानी के लिए कभी शॉर्टेज नहीं हुई। तब इन्होंने दोबारा से उसको सब कुछ ठीक करके वहाँ दोबारा बारिश का वेट किया, और बारिश से वो दोबारा टैंक भरा, और इस वजह से इनकी जो गाँव की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई। होलगुंडी एरिया ऑफ कर्नाटका, ये देखिए आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज में जाते हैं, ये अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डेजर्ट ओक। डेजर्ट ओक के बारे में बहुत पूछा जाता है। डेजर्ट ओक देखिए ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक ये पेड़ होता है, डेजर्ट ओक का ओक ट्री होता है, जो गो डीप इनटू ग्राउंड टिल दे रीच वाटर, ये इसकी जड़ें इतनी गहरी जाती हैं ज़मीन के अंदर, जब तक इसको क्या ना मिल जाए पानी, जब तक इसको पानी ना मिल जाए तब तक इसकी जड़ें फैलती रहती हैं ग्राउंड के अंदर। कितना डीप जा सकता है ये? 30 मीटर तक। वाटर इज स्टोर्ड इन ट्री ट्रंक, इसका जो पेड़ का जो तना होता है उसके अंदर पानी स्टोर हो जाता है, क्योंकि जड़ें इसकी ग्राउंड तक पहुंच जाती हैं और जड़ों से पानी इसका पूरा ऊपर आ कर के ट्री के ट्रंक के अंदर भर जाता है। व्हेन देयर वॉज नो वाटर इन डेजर्ट, पीपल यूज टू पुट थिन पाइप इन टू ट्रंक ऑफ ट्री टू ड्रिंक दिस वाटर, जब वहाँ डेजर्ट में पानी की कमी होती है, किसी को पानी नहीं मिलता, तो लोग क्या करते हैं कि थिन पाइप उस ट्रंक के अंदर डालते हैं और वहाँ से पानी आराम से निकाल के पी लेते हैं। ईटिंग टुगेदर चैप्टर में ये बिहू फेस्टिवल का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बिहू फेस्टिवल जो कि कहाँ सेलिब्रेट होता है? असम में होता है। क्यों सेलिब्रेट होता है? ये नई फसल के पकने पर होता है। कब मनाया जाता है? माघ। बिहू सेलिब्रेटेड इन 14th to 15th January, फर्स्ट और सेकेंड माघ में, या 10th महीने के जिसे बोला जाए असम के कैलेंडर के हिसाब से। फर्स्ट डे को उरुका बोलते हैं। पीपल मेड भेला घर फ्रॉम बैम्बू, लोग इसमें भेला का घर बनाते हैं बैम्बू से, और फिर उससे डांस करते हैं वहाँ। बोरा इज कॉमन वैरायटी ऑफ राइस यूज्ड इन असम,
राइस की जो कॉमन वैरायटी है वो है बोरा। देखिए इम्पॉर्टेंट, अगेन इम्पॉर्टेंट है, पोचमपल्ली कहाँ, मुक्तापुर विलेज, एक मुक्तापुर विलेज है जो कि कहाँ है, पोचम, इट इज़ इन पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन क्या है इनका, कारपेट वीविंग, टॉय मेकिंग और इत्र प्रोडक्शन, इत्र जो परफ्यूम जिसे हम बोलते हैं। दो तरह की साड़ी यहाँ की फेमस है, एक पोचमपल्ली और कलमकारी। ये देखिए पोचमपल्ली की साड़ी आप देख सकते हैं पिक्चर में। नेक्स्ट उसमें देखते हैं, प्लीज़ जो ये मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ इसको आप एक नोट्स बनाइए अपनी कॉपी में, ये सारा नोट करते जाइए, ये सभी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए ये दो चैप्टर है, इनको मैंने एक साथ डाल दिया है, होम एंड एब्रॉड करके एक चैप्टर और स्पाइसी रिडल्स करके। अबू धाबी इज़ इन यूएई, अबू धाबी कहाँ है, यूएई में है। वहाँ की करेंसी क्या है, दिरहम, और लैंग्वेज क्या है, अरेबिक। वहाँ जो पेट्रोल पाया जाता है वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है, और इतना लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है कि जो पेट्रोल है वो वाटर से चीपर है। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना कि वहाँ पानी महंगा है, पेट्रोल क्या है, सस्ता है पानी से। डेट्स आर फाउंड इन अबू धाबी, खजूर फेमस है अबू धाबी के। नेक्स्ट चैप्टर का देखते हैं, तेज पत्ता, कार्डमोन, ब्लैक पेपर, ये सब क्या है, केरला के स्पाइसेस है। हम जानते हैं केरला में जो मसाले, केरला के जो मसाले हैं बहुत ही फेमस हैं, और वहाँ गरम मसाला किससे मिलकर के बनता है, देखिए बिग कार्डमन, क्लोव, क्यूमिन, जिंजर, इन सब से मिलकर के गरम मसाले तैयार करते हैं। अगेन इम्पॉर्टेंट है डिफेंस ऑफिसर वाहिदा प्रिज्म के बारे में। वाहिदा प्रिज्म जो है वो डॉक्टर थी, हैं इंडियन नेवी में, फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने परेड को लीड किया, और ये कहाँ से, थाना मंडी विच इज़ राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में। टोटल नंबर ऑफ कमांड इन परेड 36, इसको नोट कर लीजिए। फूड्स देखिए, फूड्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन से कंट्री में कैसा फूड होता है, कौन से स्टेट में कैसा फूड खाया जाता है। हांगकांग में देखिए स्नेक खाए जाते हैं जिनको वहाँ की भाषा में लिंग हु फैन बोलते हैं। केरला में टैपोए का बॉयल करी, कोकोनट की करी खाई जाती है, टैपोए का साबुदाना जैसे बोलते हैं। गुजरात का ढोकला भी चटनी फेमस है, लेमन राइस और मिठाई। गोवा में फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल, और कश्मीर में फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल। इसमें कंफ्यूज मत होना, देखिए गोवा में जो फिश खाते हैं वो कोकोनट ऑयल में खाते हैं, और जो कश्मीर है वहाँ जो मछली पकाते हैं किस में पकाते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में, और गोवा में नारियल के तेल में। अब देखिए अलबिरूनी के बारे में, जो ये अलबिरूनी थे ये भारत आए थे, और ये आए कहाँ से थे, उज्बेकिस्तान से, ये इम्पॉर्टेंट है नोट कर लेना, ये उज्बेकिस्तान से आए थे। और इन्होंने जब ये भारत आए तो इन्होंने यहाँ के आर्किटेक्चर को पढ़ा, उसके बारे में देखा, और उन्होंने इस बहुत कुछ उनके बारे में नोट किया, और उन्होंने देखा कि उनकी कंट्री से किस प्रकार ये हमारी कंट्री में जो आर्किटेक्चर वगैरह थे, बनावट वगैरह किस तरह से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी, और वो चाहते थे कि मैं अपने देश के उन लोगों को दिखाऊं जो काम करते हैं, कि जो वहाँ के कंट्री मैन थे उनको देख करके बहुत सरप्राइज होंगे किस तरह से वहाँ का आर्किटेक्चर है, वहाँ की मतलब जो सीढ़ियाँ थी आने की अलग, जाने की अलग, ताकि जो क्राउडिंग रहे वो बहुत ही कम रहे उस रास्ते पे। तो अलबिरूनी ने यही सब हिस्ट्री के बारे में, हम इन्हें बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है उज्बेकिस्तान, ये आए कहाँ से थे, उज्बेकिस्तान से। स्नेक चार्मर्स स्टोरी, देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन बीन पार्टी, बीन टुम्बा, कंजरी, कंजीरी एंड ढोल, एक्सेप्ट ढोल ऑल द अदर थ्री इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम ड्राइड गॉड लॉकी। जो ये सभी इंस्ट्रूमेंट थे किससे बनाए गए थे, सूखी जो लॉकी थे उनको, जो लंबी लंबी लॉकियाँ रहती थी उनको अंदर का पूरा साफ करके, उनको सुखा करके, उनसे ये इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते थे। ऑफ द मैनी काइंड ऑफ स्नैक्स फाउंड इन अवर कंट्री, ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नैक्स आर पॉइजनस। ये देखिए स्नैक्स के बारे में भी इम्पॉर्टेंट ही पूछा जाता है कि कौन कौन से स्नैक्स पॉइजनस हैं, हमारे इंडिया में कौन से
पॉइजनस स्नेक्स पाए जाते हैं? कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर। स्नेक हैज़ टू होलो टीथ फैंग्स जिसे बोलते हैं, जब वो काटता है तो उन जो उसके जो नुकीले फैंग्स होते हैं उनसे जो पॉइजन होता है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है। देयर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स, द मेडिसिन इज़ मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन एंड इज़ अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। जो सांप के काटने पर जो दवाई बनाई जाती है वो भी किससे बनाई जाती है? सांप के ही जहर से बनाई जाती है। ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये देखिए फर्स्ट नंबर पे आपका ये कोबरा है, ये आपका करैत है, ये आपका रसल वाइपर और ये सॉ स्केल्ड वाइपर अफई जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सीड्स एंड सीड्स करके एक चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे पिचर प्लांट के बारे में। देखिए प्लांट्स विच हंट, जो कि क्या करता है, हंट करता है। कैसे? देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं एक तरीके से पैरासाइटिक प्लांट, जो कि क्या करता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है और उन्हें खा जाता है। द पिचर प्लांट जिसे नेपेंथीज भी बोलते हैं इज वन सच प्लांट, इट इज़ फाउंड इन, ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय। इंडिया में देखिए कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। इट हैज़ पिचर लाइक शेप, पिचर की तरह इसका शेप होता है, मटके की तरह एक, एंड द माउथ इज कवर्ड बाय लीफ, और इसका देखिए ऊपर का माउथ देख सकते हैं, ऊपर का खुला है, किससे कवर्ड होता है, ये लीफ से कवर्ड होता है। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट टू इट, इसमें एक खुद की इसकी एक महक होती है जो अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। उस स्मेल को सूंघते हुए इंसेक्ट्स इसके अंदर चले आते हैं और ये अपने ऊपर वाले जो ये लीफ होती है इसको बंद कर देता है, और वो कुछ इस तरह से अंदर इसके एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो उन कीड़े को हजम कर लेते हैं अपने अंदर। When the insect lands on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out. जब वो इंसेक्ट उसके अंदर घुसता है तो वो उसी के अंदर ट्रैप हो जाता है और वहीं मर जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। Who came from where? देखिए ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से आई हैं। यूरोप से क्या आई है, कैबेज और पी, मटर और गोभी। साउथ अमेरिका से ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च, टमाटर और आलू। भारत लाए गए, कहाँ से लाए गए, साउथ अमेरिका से। ये चीज़ें याद रखना, यूरोप से क्या आई, साउथ अमेरिका से क्या आई और अफ्रीका से क्या आई, कॉफ़ी बीन्स। अब देखिए इसी चैप्टर में एक नीचे एक स्टोरी है जॉर्ज मैस्ट्रल की, जो कि अपने कुत्ते को घुमाने ले गए थे तो उन्होंने देखा कि उन पर कुछ स्टिकी तरह चिपके, कुछ बीज चिपके थे उनके कपड़ों पर, और उनके साथ साथ उसके जो उन कुत्ता था उसके फर पे भी, उसके बालों पे भी चिपके थे। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक, उन्होंने देखा कि क्या इन बीजों में ऐसा क्या है जो ये कपड़ों में चिपक जाते हैं। सो ही ऑब्जर्व दीज सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, उन्होंने उस सीड्स को माइक्रोस्कोप में स्टडी किया और देखा कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी हुक्स हैं जो कि कपड़ों में और फर में स्टक फंस जाते हैं। This gave Mestral the idea of making Velcro, और यही आइडिया Mestral को मिला, और इन्होंने किस चीज़ की खोज करी, Velcro की। Velcro देखिए आपने देखा होगा आपके शूज़ में, सैंडल वगैरह में ऐसे जो चिपकाने का होता है, ये कहीं आपने कपड़ों में भी देखा होगा, कोट्स वगैरह में, उसमें जो स्टिक, Velcro is made used to stick together many things, clothes, shoes, bags, belt and many more। इमेज के जरिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये होता है वेलक्रो, और वो सीड कुछ इस तरह से होते हैं जो कपड़ों में चिपक जाते हैं। इसी सीड से इनको आइडिया मिला किस चीज़ को बनाने का, वेलक्रो बनाने का। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर, तो देखिए डेड सी के बारे में पढ़ते हैं हम पहले। डेड सी आपने सुना होगा, ये जो डेड सी है इसमें इतना नमक भरा है
कि इसमें जो इंसान अगर तैरने जाएगा तो वो डूबेगा नहीं, वो ऊपर ही तैरता रहेगा सरफेस पे। ये इसका जो पानी है वो इतना नमकीन है कि आप 1 लीटर ग्लास पानी लीजिए इसका, तो उसमें आपको 300 ग्राम नमक मिलेगा। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक, तो सोचिए कितना ज़्यादा सॉल्टी वाटर प्रेजेंट होगा यहाँ डेड सी पे। और इसमें कोई भी डूबता नहीं है और वो क्या पानी में फ्लोट करता रहता है। आप ये पिक्चर के ज़रिए देख सकते हैं, ये आदमी देखिए कैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहा है बिना डूबे। नेक्स्ट है डांडी मार्च। ये देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ये इंसिडेंट कब हुआ था डांडी मार्च का, जो डांडी यात्रा जो गांधी जी ने इस शुरुआत करी थी 1930 में। इसमें जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लॉ बनाया कि जो लोग हैं हैवी टैक्स पे करेंगे वो नमक के लिए। तो फिर गांधी जी ने इसका सॉल्यूशन ढूंढा कि हम खुद का नमक बनाएंगे। कैसे? गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन यात्रा, लॉन्ग वॉक पे गए फ्रॉम अहमदाबाद टू डांडी। ये इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक? अहमदाबाद से डांडी तक, सीसौर इन गुजरात, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ। अब देखिए नमक कैसे बनाया जाता है। द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड डग इन द सैंड। लंबी लंबी जो बेड टाइप के बनाए रहते हैं रेत के, उनमें क्या किया जाता है, समुद्र का पानी इकट्ठा किया जाता है और वो पानी जब इवोपोरेट होता है तो नीचे क्या बच जाता है, नमक। इस तरह से वहाँ पे क्या पूरे ग्राउंड में क्या बच जाता है, नमक बच जाता है, जिससे हमें नमक ऑब्टेंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ए ट्रीट फॉर मॉस्किटोज, मेडिसिन फॉर मलेरिया। देखिए जो पहले टाइम में होता था वो सिंकोना ट्री से उसकी जो छाल होती थी उसका पाउडर बना करके मलेरिया को ट्रीट किया जाता था, और इसका जो पाउडर था उसको बॉयल करके लोग पीते थे उसको छान करके। ये इम्पोर्टेंट है सिंकोना ट्री। अप यू गो, देखिए बचेंद्री पाल का इसमें इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन वूमेन थी और 5th वूमेन थी कहाँ, वर्ल्ड में, जो कहाँ पहुँची थी, टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट पे। बचेंद्री ग्रू अप इन नकुरी विलेज, कहाँ है जो नकुरी विलेज, उत्तराखंड में गढ़वाल एरिया में। वेन शी ग्रू ओल्डर शी ज्वाइन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी में है जो, हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, ए शेल्टर गो हाई। देखिए चंगपा एक ट्राइब है माउंटेन्स में रहने की, लद्दाख में है ये। इस ट्राइब में चंगपा जो ट्राइब है उसमें सिर्फ 5,000 लोग रहते हैं और ये अपनी भेड़ बकरियों के साथ यहाँ से वहाँ हमेशा मूव करते रहते हैं। इनकी जो भेड़ बकरी है इनसे इनको क्या क्या मिलता है, मिल्क, दूध मिलता है, मीट मिलता है, इनकी जो स्किन निकाल के वो टेंट बना लेते हैं, अपने लग कपड़े बना लेते हैं। फ्रॉम दीज स्पेशल गोट्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल। इनके पास कुछ पश्मीना गोट होती हैं जो कि हमें पता है पश्मीना वूल कितना फेमस है, बहुत महंगा वूल होता है। द चंगपा ग्रेज देयर गोट्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेस सो दैट द गोट्स हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर। ये अपनी जो बकरियां होती हैं इनकी, ये कहाँ चराते हैं उनको, हाई ऊपर सबसे हाई एल्टीट्यूड में और कोल्डर प्लेस में चराते हैं। क्यों, उनसे क्या होता है कि जो बकरियों के जो फर होते हैं, बाल होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कैसे रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। दे स्टे हाई अपॉन दीज माउंटेन्स इन वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशंस बिकॉज दैट इज़ वेयर दीज गोट्स कैन लिव। इनको बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशंस में रहना पड़ता है, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड में रहना पड़ता है, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड में रहने की वजह से ये जो बकरियाँ होती हैं जिंदा रह पाती हैं। दे कॉल देयर टेंट रेबो, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने टेंट का, इनके जो टेंट का क्या नाम होता है, रेबो बोलते हैं। किससे बनता है वो, या के हेयर इस, उनको एक साथ स्ट्रिप बनाई जाती है लंबी लंबी, उनको एक साथ सिल देते हैं वो। इन द लैंग्वेज ऑफ चंगपा, चंगथांग मीन्स अ प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव। चंगपा की भाषा में जो चंगथान जो बोलते हैं उसका मतलब होता है कि बहुत ही कम लोग एक साथ रहते हैं, जो ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही कम लोग। अब देखिए पीछे हमने पश्मीना के बकरियों के बारे में पढ़ा था जो कि चंगपा ट्राइब के पास थी, बहुत ही हाई अल्टीट्यूड में ग्रेस करते हैं, चरते हैं ये, जिस वजह से इनके जो फर होते हैं बहुत ही
पतले साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। देखिए इनके बारे में हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। पश्मीना शॉल इतना गर्म होता है कि हम 6 स्वेटर पहन लीजिए और इसका 1 शॉल लपेट लीजिए, मतलब कि इसका पश्मीना शॉल इक्वल्स टू 6 स्वेटर। पश्मीना शॉल का जो एक शॉल होता है वो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है, इतना थिन शॉल होता है वो। समर में जो ये पश्मीना गोट्स होती है उनके बाल क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। और इनकी एक ख़ास बात यह है कि इनके इतने पतले बाल होते हैं कि हमारा एक बाल के बराबर इनके 6 बाल होते हैं। आप सोच सकते हैं हमारा एक बाल और इनके, हमारे एक बाल के बराबर इनके 6 बाल होते हैं, इतने पतले बाल होते हैं इनके, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। जो पश्मीना की वूल होती है ये मशीन्स में नहीं बनती, इसके लिए हैंड वर्क होता है, हाथों से कारीगरी की जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही महंगी ये बिकती है। 250 घंटे लगते हैं इसको हाथों से बनाने में। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इनको नोट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं हाउसेस ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर में किस तरह से घर होते हैं देखते हैं। हाउस बोट आपने सुनी होगी, हाउस बोट, बोट में ही घर रहता है। 80 फीट से 8 से 9 फीट लॉन्ग रहते हैं वो। डोंगा, दीज बोट्स कैन बी सीन इन डल लेक एंड झेलम रिवर, इट वॉज जस्ट लाइक हाउस। डोंगा ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। यहाँ इसके जो वुड की जो ऊपर की जो छत होती है, सीलिंग होती है, वुड की होती है और उनमें बहुत ही बढ़िया तरीके से कारीगरी की रहती है हाथों से। और इस डिज़ाइन को क्या बोलते हैं, कतम बन, लुक्स लाइक जिग्सॉ पज़ल, जिग्सॉ पज़ल की तरह ये दिखता है। कश्मीर हाउसेस आर मेड फ्रॉम स्टोन कट एंड कैप्ड वन ऑन टॉप टू अदर एंड कोटेड विद मड। कश्मीर के जो घर होते हैं वो पत्थरों से बने जाते हैं, बहुत ही काटे हुए पत्थरों से, और उसके बाद उसको किससे ढक देते हैं, वो कोट कर देते हैं मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से। सम ओल्ड हाउसेस हैव स्पेशल टाइप ऑफ विंडो विच कम्स आउट ऑफ द वॉल। कुछ जो पुराने घर होंगे उनमें आप देखेंगे यहाँ के कि जो खिड़कियाँ होती हैं वो बाहर के लिए निकली हुई होती हैं, ऐसे बाहर की तरफ का स्ट्रक्चर रहता है उनका। दिस इज कॉल्ड दाब, उसको क्या बोलते हैं वो, दाब। हुज फॉरेस्ट करके चैप्टर है, उसमें देखिए कुडुख इज कम्युनिटी ऑफ आदिवासी पीपल इन झारखंड। झारखंड में कुडुख आदिवासी लोगों की कम्युनिटी है। यहाँ के जो जंगल हैं वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। किस वजह से, वहाँ माइंस खुद रही हैं और डैम्स वगैरह बन रहे हैं। टोरंग मीन्स जंगल इन कुडुख लैंग्वेज, कुडुख भाषा में टोरंग को क्या बोलते हैं, जंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2021 में पूछा गया था कि कुडुख लैंग्वेज में जंगल को क्या बोलते हैं, टोरंग, ठीक है। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट आया कब बना, 2007 में। द लैंड ऑन विच वी ग्रो टिन ऑफ सीड्स इज कॉल्ड 1 टिन ऑफ लैंड। झूम फार्मिंग देखते हैं, झूम फार्मिंग भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। झूम फार्मिंग में होता क्या है कि क्रॉप को जब हार्वेस्ट किया जाता है, कट हो जाती है, तो जो लैंड होता है उसको 1 से 2 साल के लिए छोड़ दिया जाता है ऐसे ही। और जब उसको 1 से 2 साल तक छोड़ दिया जाता है बिना उसमें खेती करे, तो उसमें कुछ अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स जैसे हम बोलते हैं, और बैम्बू ग्रो कर जाते हैं। और जब खेती करने की टाइम आता है तो क्या करते हैं कि बैम्बू और वीड्स को, उनको ऐसे ज़मीन से उखाड़ते नहीं है वो, उनको काटते हैं, जड़ से नहीं उखाड़ते, सिर्फ ऐसे नीचे नीचे से काटते हैं और उनको जला दिया जाता है। उनकी जो वहाँ खाद, जो राख बनती है, उससे जो पूरी ज़मीन होती है वो फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ तरीके से हो जाती है, खाद बन जाती है उनके लिए। ये मेनली कहाँ होता है, मिजोरम में होता है। और जब लैंड रेडी होता है फार्मिंग के लिए, तो उसको हल्का डक, हल्का खोदा जाता है, प्लग्ड, हल नहीं लगाया जाता उसमें, उसको हल्के से खोदा जाता है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना कि उसको, उसमें हल नहीं जोता जाता, उसको हल्के से डक किया जाता है बस। वहाँ की जो मेन क्रॉप जो उगाई जाती है वो राइस है। और जब राइस पकती है तो वहाँ एक स्पेशल टाइप का डांस होता है जिसे बोलते हैं चिरो डांस, चिरो डांस, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेना। जूम ए हाउस लाइक दिस चैप्टर में देखते हैं असम, इसमें देखते हैं हम कौन से स्टेट में किस, कैसे कैसे टाइप के घर रहते हैं। असम में देखिए, असम में जैसे हम जानते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसके वजह से वहाँ के जो घर होते हैं वो ज़मीन से कितनी ऊंची ऊंचाई पे बने रहते हैं, 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर ग्राउंड से अबव बने रहते हैं। और वो जो ग्राउंड से ऊपर की तरफ जो पिलर्स
बनाए जाते हैं वो बैम्बू पिलर्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनमें उनके बैम्बू पिलर्स के ऊपर वुड का घर खड़ा किया जाता है, जिसकी वजह से कि जो घर होता है वो पानी से सुरक्षित रहता है। मनाली में देखिए कैसे घर होते हैं, हिली एरिया रेन्स हैविली एंड स्नो एज वेल, बर्फ़ बहुत गिरती है वहाँ, तो वहाँ के जो घर होते हैं वो स्टोन और लकड़ी के बने रहते हैं, पत्थर और लकड़ी से बने रहते हैं। राजस्थान में जैसे कि हम जानते हैं बहुत ही सूखा होता है, वहाँ बारिश बहुत ही कम देखी जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वहाँ के जो घर होते हैं मिट्टी के बने होते हैं, वहाँ के जो घरों की दीवारें होती हैं इतनी मोटी होती हैं कि उसमें इजीली मतलब हीट अंदर नहीं आ सकती, मतलब जो वॉल्स होती हैं प्लास्टर्ड विद मर्ड, मिट्टी के दीवारें बनाई जाती हैं, और जो ऊपर छत होते हैं वो थॉर्नी बुशेस, कांटेदार झाड़ियों, इन सब से घास फूस से मिल करके बनाई जाती है छतें उनकी। ये आगे आप पिक्चर देख सकते हैं घरों में, ये देखिए असम में जो ये घर है बैम्बू पिलर्स में खड़ा किया गया है वुड का, और ये दूसरी इमेज जो आप देख सकते हैं ये आपकी हिमाचल मनाली की है, वुडन घर है, ऊपर रूफ कैसा है इनका वुड लकड़ी या स्टोन के बने रहते हैं, और ये नीचे तीसरी इमेज में आप देख सकते हैं राजस्थान के घर जो कि मर्ट से लेपे गए हैं, मिट्टी के बनाए गए हैं वॉल्स, और ऊपर की जो है थॉर्नी बुशेस और घास फूस से मिलकर के बनाए रहती है। अब देखिए ये रूट्स में क्या क्या आते हैं, कैरेट, गाजर, बीट रूट, रेडिश, स्वीट पोटैटो और टर्निप, ये सब किस में आते हैं, रूट्स में आते हैं। और मॉडिफाइड स्टेम में क्या आता है, पोटैटो। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज करते हैं, बच्चे पोटैटो को रूट समझ लेते हैं जिसके वजह से उनका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाता है, जबकि पोटैटो क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्रोटोन प्लांट गिव सिग्नल व्हेन सॉइल बिकम्स ड्राई, क्रोटोन एक प्लांट है जो कि सिग्नल देता है जब मिट्टी क्या होती है बिल्कुल ही सूख जाती है, जब मिट्टी क्या होती है ड्राई हो जाती है। मैना बर्ड, मैना और आउल, उल्लू के बारे में दो चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। मैना जो चिड़िया है उसके वो अपनी गर्दन कैसे रोटेट करती है, 360 के एंगल पर रोटेट करती है विद अ जर्क, झटके के साथ। जब ये क्वेश्चन पूछा रहेगा कि कौन सी चिड़िया झटके के साथ अपनी जो गर्दन है उसको 360 डिग्री पर मूव करती है, तो उसमें आप मैना टिक मारोगे। और आउल का क्या रहेगा, रोटेट नेक बैकवर्ड टू अ लार्जेस्ट एक्सटेंट, अपनी गर्दन पीछे तक तो मूव कर देता है लेकिन बिना झटके के, बिना जर्क के, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। वर्ली, ए ट्रेडिशनल आर्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, एक ट्रेडिशनल आर्ट है किसकी, महाराष्ट्र की, वर्ली, वर्ली पेंटिंग, आपने सुना होगा नाम इसका। 26 जनवरी 2001 को अर्थक्वेक हिट किया था किसको, कच्छ को, जो कि कहाँ है, गुजरात में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सिल्क वॉर्म कैन फाइंड इट्स फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर अवे बाय हर स्मेल, जो सिल्क वॉर्म होता है वो फीमेल वॉर्म को उसकी स्मेल से ही काफ़ी किलोमीटर दूरी से ही उसका पता लगा लेती है। कन्नौज किसके लिए फेमस है, इत्र प्रोडक्शन के लिए, जो कि कहाँ है, यूपी में, इत्र जिसे हम बोलते हैं परफ्यूम वगैरह, कन्नौज उसके लिए फेमस है यूपी में। तो आई होप आपको ये सारी जो ये EVS के टॉपिक्स हैं ये आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इन सभी के आप नोट्स बना सकते हैं अपनी नोटबुक में अलग से, ये सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि पूरे एक वीडियो में कवर हो चुके हैं आपके, आप इतना भी पढ़ के चले जाएंगे तो आपके लिए इनफ है 15 क्वेश्चंस के लिए, होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।